हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मेरे पास है यहाँ पर वेस्टर्न डिजिटल की 2TB माय पासपोर्ट हार्ड डिस्क। और इस हार्ड डिस्क को जब मैं ऑर्डर कर रहा था तब मैंने सोचा था कि इसको यूज करना काफी ज्यादा सिंपल होगा, बस प्लग किया और प्ले किया, डेटा इधर का उधर ट्रांसफर किया एकदम स्पीड में। मगर जब ये मेरे पास आई और मैंने इसको यूज करके देखा तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था इसको यूज करना, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं और विंडोज और मैक ओएस के लिए काफी सारी अलग अलग सेटिंग्स आपको करनी पड़ती है इसको अच्छे से यूज करने के लिए। तो आज इस वीडियो में आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने की कोशिश करूंगा और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है बॉक्स वेस्टर्न डिजिटल के 2TB माई पासपोर्ट हार्ड डिस्क का। और यहाँ पर देखो 3 साल की इसके अंदर आपको वारंटी भी मिल जाती है और काफ़ी सारे इसमें फीचर्स मिलते हैं, वो सब हम बात करेंगे आगे। और पीछे की साइड में यहाँ पे प्राइस लिखी है इसकी, MRP 8000 से ज़्यादा, मगर इतनी महंगी नहीं है। अमेजोन पे जो 2TB की प्राइस है 5000 रुपये के आसपास चल रही थी। और यहाँ पर कार्ड डिस्काउंट में मेरे को 10% ऑफ भी मिल गया, तो टोटल मेरे को कुछ 4500 रुपये के आसपास ये पड़ी। आपको लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कभी भी आप लोग 2TB या 5TB बाई करते हो तो आप फायदे में रहते हो। यहाँ पे देखो अमेजोन कभी कभी प्राइजेस में क्या करता है, 1TB को 2TB से ज़्यादा महंगा कर दिया है। और ये जो है अब क्रोम बुक को भी सपोर्ट करती है। और यहाँ पर जो है अंदर अब अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो बॉक्स के अंदर से एक और ऐसे प्लास्टिक का बॉक्स आपको मिलेगा और इसमें देखो कुछ इस तरह से खुलता है यहाँ से, और ये जो है काफ़ी टाइट है और ये निकाल दिया मैंने। और यहाँ पे देखो ब्लैक कलर काफ़ी बढ़िया लग रही है। एक यूज़र मैनुअल मिलता है जो कि काफ़ी डरावना सा है और कौन इसको पढ़ेगा इतना, ऐसा यूज़र मैनुअल ये लोग बनाते हैं, कोई पढ़ नहीं सकती इसको। और इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पर जो आपको केबल मिल जाती है और हार्ड डिस्क की जो केबल होती है कुछ इस तरह का होता है अपना पोर्ट। और ऐसा क्यों होता है किसी को पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि भाई ऐसा अजीब सा क्यों डिज़ाइन रहता है हार्ड डिस्क के लिए। और यहाँ पर अब जो है माई पासपोर्ट जो ये अपनी हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल, ये है 2TB की। आप कितने भी TV मंगाओ सेम साइज़ आपको मिलेगी। और पीछे की साइड में देखो क्वालिटी सर्टिफिकेशन इतने सारे हैं यहाँ पर। और डिज़ाइन की बात करें तो देखो कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलता है, अलग अलग कलर वेरिएंट्स में ये अवेलेबल है, ब्लू, रेड, और सभी कलर्स की प्राइस भी अलग अलग होती है। और यहाँ पर जो इसका पोर्ट मिल जाता है और साथ में मुझे ये कवर भी फ्री में ही मिल गया, समझ लो अमेज़ॉन पे कुछ ऑफर चल रहा था और मैंने मंगा लिया। और यहाँ पर प्राइस इसकी 800 रुपये लिखी है मगर 200 रुपये के आसपास अवेलेबल रहता है, तो इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको अगर चेक करना हो तो देख सकते हो। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे इसकी, इसको खोल के देखते हैं अंदर से कैसा है, बाकी काफ़ी बढ़िया है बाहर से तो। और अंदर की साइड में देखो आप काफ़ी बढ़िया ऐसा कुशन जैसा डिज़ाइन दिया गया है जिससे कि काफ़ी सेफ़ रहती है अपनी हार्ड डिस्क। और इस साइड में आप हार्ड डिस्क रख सकते हो और दूसरी साइड में जो है केबल वगैरह को रख के आराम से इसको बंद करके कहीं पे भी आपको ले जाना हो ट्रैवलिंग करते वक्त या फिर कहीं पे भी, तो एकदम सेफ़ रहेगी आपकी हार्ड डिस्क इसके अंदर और गिरेगी तो भी कुछ नहीं होगा इस कवर के अंदर। तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को ये। और अब जो है हम बात करते हैं डायरेक्ट हार्ड डिस्क की। और ये जो है USB 3.0 सपोर्ट करती है और USB 3.0 से ही मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी आपको इस पोर्ट से। और यहाँ पर देखो कनेक्ट करते ही मैकबुक के अंदर यहाँ पे माई पासपोर्ट आ गया है। और इसकी जो गेट इन्फो देख लेते तो 2TB यहाँ पे कैपेसिटी बता रहा है। और इसको जब ओपन करके देखेंगे हम लोग तो अंदर आपको 2 ड्राइवर मिलेंगे, विंडोज़ के लिए और मैक ओएस के लिए। और ये जो वेस्टर्न डिजिटल के सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप काफ़ी सारी सेटिंग्स वगैरह इससे कर सकते हो और काफ़ी अच्छा इंटरफेस। और ये जो विंडोज़ वाला है स्पेशली ये आपको विंडोज़ 10 और 11 में सपोर्ट कर लेगा, मगर विंडोज़ 7 में ये जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए क्या किया मैंने वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पर देखो मैकबुक में तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर विंडोज़ 7 में ये सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो काफ़ी सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखने के बाद मुझे पता चला कि माई कंप्यूटर में मैनेज में जाना है और यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट आपको मिलेगा और यहाँ पर आप असाइन कर सकते हो इसको नाम, डिस्क 1 आपका नाम आ जाएगा। और ये देखो माई पासपोर्ट एच यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको इसको इनिशियलाइज कर देना है NTFS में और ये जो है विंडोज 7 में सपोर्ट कर लेगा। और माई पासपोर्ट यहाँ पे देखो आ गया है और इसमें कुछ 1.81 TB बता रहा है खाली। और अगर आपका PC और लैपटॉप पुराना है थोड़ा और उसमें USB 2.0 है तो उसमें आपको करीब करीब 25 MBPS के आसपास स्पीड मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी है। और USB 3.0 के भी स्पीड में आपको आगे बताता हूँ मैकबुक में कैसी मिलती है, काफ़ी बढ़िया मिलती है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो NTFS फाइल फॉर्मेट है वो सिर्फ विंडोज़ में सपोर्ट करता है और अगर आप फिर से मैकबुक में कनेक्ट करोगे तो आप सिर्फ रीड ओनली कर पाओगे, कुछ भी उसमें राइट नहीं कर पाओगे, पेस्ट वगैरह नहीं कर पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। और इसके लिए मैंने फिर से थोड़ी रिसर्च की और यहाँ पर मैकबुक में थोड़ी सेटिंग्स करके एक मैंने पार्टीशन बना दिया। और पार्टीशन को जो है मैंने एक पार्टीशन को मैंने 300 GB के आसपास रखा और NTFS उसको बना दिया। और यहाँ पर जो बचा हुआ 1.7 TB था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया XFAT में। और ये जो XFAT है विंडोज़ और मैक दोनों में सपोर्ट करता है। यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ इतने सारे टाइप के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो आप लोग अगर
यहाँ पर कुछ फाइल फॉर्मेट सिर्फ एप्पल में सपोर्ट करते हैं और कुछ जो है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सफैट जो है दोनों में सपोर्ट करते हैं और दोनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ भी आप चेंज करोगे कोई भी ये फॉर्मेट को, तो फिर से आपको पूरा फॉर्मेट मारना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी पूरा डेटा आप पेस्ट मत करना इसमें, पहले आप फाइल फॉर्मेट अच्छे से सिलेक्ट कर लेना, फिर आपका डेटा वगैरह पेस्ट करना इसके अंदर। और यहाँ पर इसको फिर से मैंने देखो एक विंडोज़ के लैपटॉप में कनेक्ट किया है, विंडोज़ 7 है यहाँ पर, और देखो ये एक्सफैट वाला जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है 1.52 TB बताता है, हमेशा विंडोज़ में थोड़ा कम बताता है पता नहीं क्यों। और यहाँ पर इसको जो है मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ, सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे मेरे को डिलीट वगैरह के, आपको दिखाता हूँ। ये देखो सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट, तो ये दोनों में सपोर्ट करेगा ये फाइल फॉर्मेट। और अब फिर से जो है स्पीड देखते हैं इसकी मैकबुक के अंदर कैसी आती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक 8K वीडियो फाइल है जो कि मैंने अपने फ़ोन से शूट करी, और इसको जो है पहले हम लोग माई पासपोर्ट में डालते हैं मैकबुक से और देखते हैं कैसी स्पीड आती है। और यहाँ पर ये देखो लोड हो रहा है, और ये देखो 200, 300, 350, 450, 500, तो ये जो है 100 MBPS से ज़्यादा की स्पीड है, 700, 800 हो गया। और 2.96 GB की ये 3 GB की फाइल है टोटल, और कुछ सेकंड्स के अंदर देखो कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी फास्ट है ये स्पीड, आपको 100 MBPS 120 MBPS आराम से मिल जाएगी USB 3.0 में। और फिर से जो है हम लोग मैकबुक में इसको डाल के देखेंगे यहाँ से और देखते कैसी स्पीड आती है। और अब इसको हार्ड डिस्क से मैकबुक में पेस्ट करके देखते हैं, और यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया है और स्पीड देखो क्या ज़बरदस्त है, 500 MB चला भी गया, तो 3 GB जो है काफ़ी फटाफट चला जाएगा और आराम से आपको 100 MBPS से ज़्यादा की इसमें स्पीड मिलेगी। और विंडोज़ में भी अगर आपके पास USB 3.0 वाला PC है या लैपटॉप है तो उसमें भी आपको ऐसी स्पीड मिलेगी काफ़ी बढ़िया सी। और अलग अलग फाइल फॉर्मेट पर भी डिपेंड करती है स्पीड, यहाँ पर बड़ी फाइल फॉर्मेट है ये, तो काफ़ी अच्छी स्पीड हमें मिल रही है। और इस हार्ड डिस्क के अंदर आप लोग जो है पासवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हो, अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हो, काफ़ी सारे पार्टीशन बना सकते हो अलग अलग। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपका विंडोज़ का PC या लैपटॉप थोड़ा पुराना है, कम पावरफुल है और USB 2.0 वगैरह उसमें है, तो आप लोग जो है इसमें छोटे छोटे पार्टीशन बना दोगे 300-400 GB वाले, तो आपको थोड़ी बेटर स्पीड उसमें मिलेगी और बेटर तरीके से आप जो है फाइल्स को ट्रांसफ़र कर पाओगे। और बाकी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, मैकबुक में तो काफ़ी अच्छे से ये काम कर रही है। तो यही सब था इस वेस्टर्न डिजिटल की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के बारे में, और मेरा जो भी काम है डेटा के रिलेटेड सारा इसमें काफी अच्छे से हो जाता है और काफी अच्छी स्पीड वगैरह भी मेरे को लगी। तो आप सबको ये हार्ड ड्राइव कैसी लगी, और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, ये गैजेट मसाला, जय श्री कृष्णा।